नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं बड़ी खबर की ओर। गैर राजनीतिक देश व्यापी देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को मिटाने हेतु 2011 से कार्य कर रहे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह ने नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर बुलाई कार्यकारिणी बैठक। देखिए खास रिपोर्ट हमारे साथ। बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य के विशेष सुझाव पर ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव मंगल सिंह ने ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की नियुक्ति राष्ट्रीय प्रदेश स्तरीय मंडल जिला सहित सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए कहा कि वर्तमान इकाइयों में जिस स्तर से ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग देश में भ्रष्ट निष्क्रिय व तानाशाही राजनीतिक सिस्टम को बदलवाने एवं सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु जिस स्तर से कार्य करना चाहता है उसके अनुरूप पदाधिकारी व इकाइयों काम नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण से ऑपरेशन विजय की सभी वर्तमान इकाइयों को भंग कर पदाधिकारियों को पद मुक्त किया गया। नई नियुक्तियों में ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग समाज के संघर्षशील सक्रिय व ईमानदार लोगों को ऑपरेशन विजय में जगह देकर देश के भ्रष्ट निष्क्रिय व तानाशाही राजनीतिक सिस्टम को बदलवाने व वास्तविक समाज हितार्थ राजनीतिक सिस्टम बनवाने हेतु 2021 में एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन चलाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में वर्तमान समय में प्रजातंत्र के नाम पर राजतंत्र चल रहा है जो किसी भी कीमत पर समाज के हित में नहीं है, जिसे अब वास्तविक प्रजातंत्र के रूप में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि देश में रक्षक के नाम पर भक्षक बनकर कार्य कर रहे राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक सिस्टम से बाहर करना ही होगा, तभी देश के अंदर सभी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के साथ साथ समाज को वास्तविक खुशियां दी जा सकेंगी। ऑपरेशन विजय के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, शुभचिंतकों एवं नगर प्रदेश व सभी देशवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 2021 में देश की भ्रष्ट निष्क्रिय व तानाशाही राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए एक बड़ा प्रदेश एवं देश स्तरीय अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें देश व प्रदेश के ऑपरेशन विजय से जुड़े जो सक्रिय पदाधिकारी हैं उनको जगह दी जाएगी, जिसके तहत आज ऑपरेशन विजय की कार्यकारिणी में यह फैसला किया गया कि तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ सभी प्रकोष्ठ के जिला स्तर तक की सभी कार्यकारिणियों को भंग किया जाता है। अब ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ ऑपरेशन विजय के 27 प्रकोष्ठों की सभी कार्यकारिणियों की नियुक्ति नए स्तर से की जाएगी। उसके बाद जिला एवं उससे नीचे तहसील स्तर तक की कार्यकारिणियों के लिए फैसला लिया जाएगा। ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा जो हमारे देश के अंदर वर्तमान भ्रष्ट निष्क्रिय व तानाशाही राजनीतिक सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत हमारे देश के चुनी हुई सरकारें व चुना हुआ विपक्ष आम जनता की समस्याओं से दूर सिर्फ सत्ता पे बने रहने व सत्ता पे काबिज होने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और जनता इस समय एक बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है, और हमारा समाज जिसे ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग ने बुराइयों से मुक्त बनाने का फैसला किया है वो लगातार सामाजिक बुराइयों की गिरफ्त में आ रहा है, जिसे एक सही रास्ते पर लाने के लिए
हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम आधुनिक व समाज हित का बनाना अब बहुत जरूरी है, जिसके तहत ही ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग द्वारा यह फैसला लिया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।